हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे मूंग दाल का हलवा। आज मैं दाल को बिना भिगोए इंस्टेंट मूंग दाल हलवा बनाऊंगी। हलवा बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम धुली हुई मूंग दाल ली है। दाल को एक कटोरी से नाप लिया है, एक कटोरी से थोड़ी सी कम है दाल। दाल को 2-3 बार साफ़ पानी से धो लेंगे। दाल को मैंने 3 बार साफ़ पानी से धुला है। दाल के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी था उसे निकाल दिया है। दाल को मिक्सी के जार में डालेंगे। जिस कटोरी में दाल ली थी उसी कटोरी से आधा कटोरी पानी लेंगे। दाल को पीसने के लिए जार का ढक्कन बंद करेंगे और दाल को पीस लेंगे। दाल पीस गई है। दाल को बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा दाना है दाल में। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे हल्का गर्म करेंगे। इसमें डालेंगे 200 ग्राम देसी घी। घी मीडियम गरम हो गया है, इसमें डालेंगे पिसी हुई दाल। दाल को लगातार चलाते हुए भूनेंगे। जब हम दाल को भूनना शुरू करेंगे, दाल कढ़ाई के तले में चिपकेगी। जैसे जैसे दाल भूनती जाएगी, चिपकना बंद कर देगी और आसानी से भून जाएगी। दाल को लगातार चलाते हुए भूनेंगे। 10 मिनट हो गए हैं दाल को मीडियम फ्लेम पे भूनते हुए। ये देखिए, दाल में से अच्छी खुशबू आने लगी है, दाल भून गई है। इसमें डालेंगे कटे हुए काजू और बादाम। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं। थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे। ड्राई फ्रूट डालने के बाद दाल को मैंने 3 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे भूना है, लगातार चलाते हुए। दाल अच्छे से भून गई है। अभी गैस फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे। जिस कटोरी से दाल को नापा था उसी कटोरी से 4 कटोरी पानी लेंगे। पानी को गुनगुना कर लेंगे हलवे में डालने के लिए। गुनगुना पानी हलवे में डालेंगे। पानी डालते समय कढ़ाई से थोड़ा दूर रहेंगे। घी भी गर्म है और पानी भी गर्म है। पानी डालने के बाद गैस फ्लेम फुल कर दी है मैंने। 200 ग्राम चीनी डालेंगे। लगातार चलाते हुए पकाएंगे। हलवे में उबाल आने लगा है। अभी गैस फ्लेम मीडियम कर देंगे और हलवे को मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते रहेंगे। पलटे को इस तरह से कढ़ाई के तले में लेके जाएंगे। हलवा कढ़ाई के तले में जले ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। हलवे को मैंने 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाया है। थोड़ी थोड़ी देर बाद चला दिया था। अभी मैंने गैस फ्लेम फुल कर दी है। हलवे को फुल फ्लेम पे तब तक पकाएंगे जब तक हलवा घी ना छोड़ दे। लगातार चलाते रहेंगे। कढ़ाई से थोड़ा दूर रहेंगे। गर्म हलवे के छींटे आपके ऊपर आ सकते हैं। हलवे में जो पानी था वो सूख गया है। हलवे ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। हलवा बन गया है। गैस फ्लेम बंद कर देंगे। आप चाहें तो हलवे में केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में घोल के केसर डाल सकते हैं या खाने वाले पीले रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है। इंस्टेंट मूंग दाल हलवा बन गया है। हलवे को मैंने काजू बादाम और पिस्ता से गार्निश किया है। हलवे के ऊपर से मैंने 1 छोटा चम्मच देसी घी डाला है। अगर आपको मूंग दाल हलवे की ये रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।